काफी लोग कमेंट ये करते रहते हैं कि रोड फियर खत्म नहीं हो रहा है। देखो रोड फियर जो गाड़ियां भरी रहती है, तो इसीलिए मैंने इनको रोड वगैरह सब कुछ है पैर नीचे होंगे कि अरे यार कहीं उससे टकरा ना जाए, जबकि वो जब आप अपना स्कूटी चलाना चाह रहे हो तो लग रहा है अब लग रहा है कि चलेगा। काफी बार बताया है कि ब्रिज पे क्या करना है, ब्रिज पे। हेलो एवरीवन, आज जो मैम है आज बिल्कुल रोड पे जाने के लिए, फर्स्ट डे इनका रोड पे, आज ये अकेले ड्राइव करेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल रेडी हो रही हैं, अपना जो भी हेलमेट वगैरह है वो सब पहन के, और साथ में आप लोग को भी दिखाऊंगा कि कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो आज ये फर्स्ट डे है, मैम से ही पूछते हैं, मैम कैसा लग रहा है? नर्वस लग रहा है, पर कोई नहीं। आपको लग रहा है कि हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नर्वस है, वो नेचुरल है, बाकी मैम को भी कॉन्फिडेंस है और मुझे उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे। तो बाकी देखते हैं मेन रोड पे कैसा क्या रहता है। ये मेरी गाड़ी रही, मैं अपने गाड़ी से रहूँगा और ये अपने गाड़ी से रहेंगे, तो चलिए फिर रोड पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैम अपने गली से जस्ट निकलने ही वाली हैं और सामने में मेन रोड है, तो ये जो है ये गली वाला ही रोड है और यहाँ से ही ट्रैफिक आप लोग को दिख रहा होगा। दोनों पाँव जो है वो ऊपर है, थोड़ा सा ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, तो इंक्लाइंड सरफेस पे भी चल रही हैं। यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इंक्लिनेशन जहाँ रहे, जहाँ अपवर्ड है। पता नहीं आप लोग को ये दिख रहा होगा एग्जैक्ट कि नहीं, लेकिन ये रोड जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सलरेटर को बढ़ाते जाना है, जैसा कि मैम भी कर रही हैं। और रोड का जो हालत है इधर, बहुत जर्जर जिसको कहते हैं, उस हालत में है इधर का रोड, तो देखते हैं कैसा क्या करती हैं, कैसा रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है इधर, ब्रिज वगैरह का और पाइपलाइंस का भी काम चल रहा है, तो इसके कारण रोड जो है बहुत दयनीय स्थिति है इधर की। ठीक है, बढ़ाइए। ये आ गए हम लोग मेन रोड पर। ठीक है, अब यहाँ से मैम का जर्नी शुरू होता है। इससे पहले जो है वो जो भी प्रैक्टिस की हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले नहीं चलाई हैं, लेकिन आज ये रोड पे इनका पहला दिन है। इससे पहले जो है वो खाली जगह पे कम क्राउड पे चला ली थी। अभी सुबह के 7:30 बज रहे होंगे, ठीक है, तो 7:30 के अकॉर्डिंग अभी भी इस रोड पे कम ही ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है कि फुल। अभी अगर 1.5-2 घंटे बाद आते हैं तो इतना ज़्यादा जाम रहता है कि एक नॉर्मल आदमी को भी यहाँ से निकलने में बहुत सोचना पड़ता है। ये सिंगल लेन रोड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिंगल लेन में भी रोड का हालत देखिए, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है और दोनों साइड से बिल्कुल गाड़ियाँ भरी रहती, तो इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा पहले अर्ली मॉर्निंग निकलने को बोला था कि जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है, अचानक से कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि थोड़ा सा 1-1.5 घंटा पहले आइए, जब क्राउड जो है वो नॉर्मल स्टेज में रहे। ठीक है, हम देख सकते हैं उबड़ खाबड़ वगैरह सब कुछ है, पैर नीचे उतार लिए हैं। सेम आप लोग को भी यही काम करना है, जहाँ भी उबड़ खाबड़ आए, जहाँ भी थोड़ा लगे कि मैं डिसबैलेंस हो सकती हूँ, वहाँ पे बिल्कुल आप पैर हवा में कर लीजिए। पैर हवा में करने से क्या होगा, इंस्टेंट सपोर्ट आ जाएगा आपको। अगर आप पैर ऊपर रखे हुए हो और कहीं लड़खड़ा रहे हो तो आपको पहले पैर नीचे करना पड़ेगा, तब आप ज़मीन पर टच करोगे, लेकिन जहाँ आपने पैर हवा में कर लिया, थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पे आप बिल्कुल तुरंत सपोर्ट ले लोगे। इसीलिए जहाँ भी, पहले ही मैंने हर लोगों को यही बताया, ब्रेकर हो, उबड़ खाबड़ हो, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो, अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल पैर हवा में कर लेना है इस सिचुएशन में। जहाँ पे बिल्कुल प्लेन रोड हो, खाली हो, वहाँ पे पैर ऊपर रख के चलिए। और फिर अगर कहना चाहें तो आज ये मैम का day 10 है मेरे साथ, तो day 10 के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि रोड पे अगर निकल गई हैं तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। और सेम आप लोग को भी काफ़ी लोग कमेंट ये करते रहते हैं कि रोड फियर ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो रोड फियर जो है वो कोई एक दिन का चीज़ नहीं है, ये पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा डर ख़त्म होगा। हाँ, एक चीज़ मैं ये ज़रूर ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का जो रोड फियर है वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, जैसे मैम के केस में मैंने आप लोगों को बताया कि 10 दिन हुए हैं और ये चलने लग गई हैं। किसी में यही चीज़ थोड़ा सा 4-5 दिन 10 दिन भी मान लेते हैं, वो थोड़ा आगे होता है। तो रोड फियर क्या चीज़ है, जैसे अब जो लोग अभी कर रहे होंगे उनको ये चीज़ तुरंत अभी रिलेट कर पाएंगे। रोड फियर यही है कि जैसे सामने से कोई आ रहा है,
तो अचानक से आपको गाड़ी हिलने लगे, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल आप ही के सामने आ गया, लेकिन सामने से भी कोई अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो आप बिल्कुल नर्वस हो जाओगे कि अरे यार कहीं उससे टकरा ना जाए, जबकि वो आपसे काफ़ी दूर है, अच्छा खासा डिस्टेंस पे है फिर भी। तो ये जो फियर है ना, ये फेस करने से ही ख़त्म होगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अचानक से आप कुछ कर लोगे और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये चीज़ बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस आपको इस हिसाब से करना है कि पहले जो आपने ट्रेनिंग लिया वो तो आप किसी खाली रोड या ग्राउंड पे करो, ठीक है। ये जब आप सीधे वगैरह सब चलाने लग जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्राउड में आना है। धीरे धीरे क्राउड में आने के लिए आपको उस हिसाब से टाइमिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हम मान लेते हैं कि शुरू में जब आप बिल्कुल रोड पे फर्स्ट डे जब आप अपना स्कूटी चलाना चाह रहे हो तो आपको 6 बजे के अकॉर्डिंग निकल जाइए, ठीक है। 6 बजे निकल जाइए, रोड अच्छा खासा मिल जाएगा, कम गाड़ियाँ रहेंगी तो उतना तो आप फेस करना सीख गए हो, तभी आप रोड पे चलने का सोच रहे हो। अगर उतना भी नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप अभी ट्रेनिंग पे ही फोकस करें, आप रोड पे अभी ना निकले। जब आप 6 बजे चल लो तो 6 बजे कम से कम 4 से 5 दिन चलो, ठीक है। जिस एरिया में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो 4-5 दिन तक 6 बजे ही चलो। 4-5 दिन चलने के बाद क्या होगा, आपको फिर उस रोड से आप फ्रेंडली हो जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस टाइम को 1 घंटा शिफ्ट कर लो। अब जब 6 बजे आप निकलते थे, अब आप 4-5 दिन के बाद 7 बजे निकलना शुरू करो। 7 बजे क्या होगा कि 6 बजे के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड रहेगा रोड, तो अब 7 बजे आपको 5 से 6 दिन चलना है, ठीक है। जब आप सेम यही काम किए फिर 1 घंटा उसको शिफ्ट करो। धीरे धीरे करते करते हमको क्राउड पे आना है, ठीक है। तो मैम के केस में अगर हम कहें तो मैम का जो ट्रेनिंग चला है वो शुरू से ही रोड पर ही चला है। आप लोगों को मैंने इनका वीडियो भी एक दो दिखाया था, तो हमेशा ये लाइट ट्रैफिक में ही इनका मतलब ट्रेनिंग चला है, क्योंकि इनका टाइम ही ऐसा था 2 बजे ये ट्रेनिंग करती थी और उसके अकॉर्डिंग कहीं भी खाली नहीं था। तो धीरे धीरे ये चीज़ इनका ख़त्म होते गया। जितना ज़्यादा आप मतलब थोड़ा सा ड्राइविंग के टाइम में जितना ज़्यादा हॉर्न का आवाज़ सुनोगे, हॉर्न का आवाज़ किसका, पीछे वाली गाड़ियों का, सामने से आते हुए देखोगे, धीरे धीरे आप बिल्कुल उसके यूज्ड टू हो जाओगे। जब शुरुआत होता है, शुरू में अगर आप चल रहे हो रोड और पीछे से कोई हॉर्न भी देगा आप हिलना शुरू हो जाओगे। ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबों के साथ ही ऐसा होता है कि शुरुआत में अगर कोई काम कर रहे हैं तो अगर हॉर्न भी कोई पीछे से गाड़ी दे रहा है आपको सिर्फ साइड होने के लिए या अलर्ट होने के लिए, तो आप क्या करोगे कि क्या बोलते हैं, हिलना शुरू हो जाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़, सामने से भी कोई गाड़ी आ रहा है तो भी हिलना शुरू कर दोगे। ये सब बिल्कुल नेचुरल है, धीरे धीरे आप इसको फ्रेंडली होते जाइए, ये चीज़ ख़त्म होते जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आप अभी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं निकलना है, ठीक है। रोड पे निकलने से पहले एक चीज़ और आपको कर लेना है जो हम लोग हर के साथ करवाते हैं, वो ये है कि पीछे बिठा के आपको पूरे रोड का चक्कर लगवा लेना है। रोड का चक्कर लगाने से क्या होगा कि आपको एक फीलिंग आएगा कि हाँ अब हम रोड पे चला लेते थे। जब भी आप अकेले निकलोगे तो वो आपका पास्ट वाला हमेशा याद रहेगा कि हाँ हम जो चलाया है तो आज भी चली जाएगा। मैम के केस में मैंने 4 से 5 दिन सेम इसी रोड पे, लेकिन अकेले नहीं थी वो, पीछे मैंने बैठ के इनको ड्राइव करवाया। आज पहली बार इनको अकेले इस रोड पे छोड़ा, मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आराम से चला लेंगी ये। बाकी फिर देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, तो ऐसे ही रुकी हैं, इनका जिम वगैरह शायद इधर ही है। जिम कहाँ पे है आपका? अच्छा, जिम भी यहाँ पे, तो इनको यहीं पे मेनली आना है। और यहाँ तक आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि चलेगा? हाँ, तो धीरे बिल्कुल बिल्कुल, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं फिर, टर्निंग पे भी आगे से टर्न हो जाइएगा। हाँ हाँ, तो देखते हैं आगे पे क्या करती हैं। अभी तक तो सब कुछ सही रहा, धीरे धीरे जो है वो टाइम भी बढ़ते जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे स्कूल बसेस वगैरह भी शुरू हो चुका है चलना, तो अब धीरे धीरे जो है आधे 1 घंटे में ये रोड क्राउडेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं भी उस टाइम वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि
एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बन रहा है। आधा ध्यान रोड पे भी है, आधा मैम पे है, आधा वीडियो पे भी है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं कहीं का वो हूँ कि कुछ भी करूँगा तो नहीं करूँगा। डर सबको रहता है जो भी रोड पे हैं, कितना भी एक्सपर्ट हो हमेशा अलर्ट होकर चल रहे हैं। मैं तो इसी उस पर चलता हूँ कि कितना भी आपको आ जाए, आपको हर दिन कुछ ना कुछ रोड पर सीखने को मिलेगा। तो ये ऐसा चीज़ है कि सिर्फ ट्रेनिंग से ख़त्म नहीं होता है। अगर ट्रेनिंग ख़त्म भी हो गया तो भी मैम को अभी मैं यही सजेस्ट करूँगा, मिनिमम 15 से 20 दिन तक आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको लगेगा अच्छा इस जगह पे ऐसे करना है, उस पर ऐसे करना है। फिर भी आप लोग बताएं कि मैम का लेवल कैसा है अभी तक का। आपने लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो देख लिया होगा, तो इसमें और आप अपनी बताएं बात कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो भी रोड पे निकल रहे हैं तो उनको ये चीज़ अश्योर कर लें कि मुझे जो रोड पे है ना वो लेफ्ट से राइट होने आ गया हो। अगर ये चीज़ आ जाता है ना तो काफ़ी इजी होता है किसी से पास लेने में, किसी को ओवरटेक करने में, या कोई आपसे आगे निकल रहा है तो साइड होने में। लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये एग्जांपल दे के बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी इस डायरेक्शन में हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा इधर की तरफ घूम गया तो ये मैं राइट की तरफ आ गया। अभी राइट की तरफ चल रहा हूँ तो अब मैं मान लीजिए हमको इधर से कोई हॉर्न पीछे से दे रहा है तो हमको लेफ़्ट आ जाना। तो ये हुआ लेफ़्ट टू राइट ड्राइव करते हुए चलना, ठीक है। मैम के केस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ बिल्कुल हैंडल इनका फ्लेक्सिबल हो गया है इस चीज़ के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और बिल्कुल अगले 2 से 4 दिन में अच्छे से बोले तो मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगा। आज ही मुझे लगता है 60-70% कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैम को कि हाँ अब मैं अकेले चला लूँगी। तो कल भी एक क्लास और करेंगे, उसके बाद फिर बिल्कुल मैम चलाना शुरू कर देगी। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि 4 से 5 दिन कम से कम सुबह के टाइम में ही निकले। धीरे धीरे इनको भी मैं बोलूँगा कि टाइम शिफ्ट करें, ऐसा नहीं कि सीधे 9-10 बजे अभी नहीं निकलने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी तो अपना कॉल है मैम का, अगर मैम को लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो बिल्कुल निकले, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा काम जो है, हमारा जो स्टेप वाइज है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सबको सजेस्ट करते हैं। फॉलो करना ना करना आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। क्योंकि हमारे इस टेक्निक से हमको तो रिज़ल्ट मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं, वेल एंड गुड, ट्राई कीजिए, जितना जल्दी हो अच्छी बात है। अगर लेट भी लग रहा है तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इतने साल तक वेट कर सकते हैं तो अगले 20-25 दिन वेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो देखिए सिर्फ चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, परफेक्शन के साथ चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर सीख रहे हैं और सेफ ही नहीं है तो फिर उस सीखने का कोई मतलब नहीं है। कि 2-4 बार गिर ही जा रहे हैं रोज़, कुछ मेजर हो जा रहा है, लेकिन माइनर तो थोड़ा बहुत होते रहता है, उसमें कोई इशू नहीं है। उतना तो हम लोग के पास भी जो सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी स्लिप नहीं करते हैं, उतना वो काउंट नहीं किया जाता है, वो ट्रेनिंग का पार्ट ही उसको मानते हैं हम लोग। लेकिन मेजर कभी कुछ नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। और बात ही करते करते अभी मैम ब्रिज पे भी आ गए, आप लोग देख सकते हैं ब्रिज पे आ गए। और ब्रिज का शेप भी जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं है, कर्व्ड है, तो ये चीज़ भी बिल्कुल आराम से पार कर जाएंगे। ब्रिज का भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि ब्रिज पे क्या करना है। ब्रिज पे यही करना है कि चढ़ते टाइम जो है एक्सेलरेटर को धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे जैसे आप अपवर्ड जा रहे हो। उसमें क्या होता है कि आपको पावर देना रहता है गाड़ी को, क्योंकि वो अपवर्ड जाना है तो गाड़ी को पावर चाहिए ऊपर जाने के लिए। फिर जब आप डाउनवर्ड जाओगे तो आपको क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेटर कम करना है। फिर जब लगे कि ज़्यादा कम हो रहा है तो फिर थोड़ा सा एक्सेलरेटर देना है। इस हिसाब से आपको स्पीड को रेगुलेट करना है। कुल मिला के यही चीज़ समझिए कि हमको ओवरऑल स्कूटी चलाते टाइम स्पीड रेगुलेशन ही सबसे बड़ा की फैक्टर है स्कूटी को बैलेंस करने में। ना बहुत कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो गाड़ी लड़खड़ाएगा, अगर बहुत स्पीड में चलोगे तो वो आप सेफ नहीं हो, अगर आप बिगनर हो तब, ठीक है। फिर जब आप एक बार एक्सपीरियंस हो गए, 2-4 महीने चला लिए हो, उसके बाद अब अपने अकॉर्डिंग जितना आप संभाल सकते हो उस स्पीड से आप बिल्कुल चलें, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा अब लंबा हो रहा है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को रोड पे क्या परेशानी आ रही है, और साथ में ये भी बताएं कि मैम ने कैसा ड्राइव किया। और यही चीज़ कहूँगा कि जो भी लोग को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी,
बिल्कुल गलत लगता है। आज से 10 दिन पहले मैम को भी यही लगता था, लेकिन आज आप लोगों के सामने रिजल्ट है। और आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो आज आप लोगों के सामने रिजल्ट है। 10 दिन पहले इनका भी मेंटेलिटी यही था। तो देखो, कोशिश करना है, कोशिश करते रहोगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अगर नहीं कोशिश करोगे तो हमेशा सोचते रह जाओगे कि कैसे करूँ, क्या करूँ। तो निकलिए ग्राउंड पे। अब मौसम भी जो काफ़ी लोग एक्सक्यूज़ कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, हाँ सही बात है, ठंड है, ठंड था, मतलब अब तो कम हो चुका है। तो अब आप लोग निकलिए ग्राउंड पे और अपने ड्रीम को जल्दी से जल्दी अचीव कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।